गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडाघाट में आज से जिला स्तरीय अंडर 19 बॉयज की खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, जिसमें 63 स्कूलों के करीब 700 बच्चे भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग चंद्रेश्वर शर्मा व पूर्व प्रधानाचार्य दिव्या ठाकुर ने दीप प्रज्वलित व झंडा फहराकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मीडिया को जानकारी देते हुए कंडाघाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य आभा चंदेल ने बताया कि आज कंडाघाट स्कूल में अंडर 19 वर्ल्ड खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें जिला के 63 स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेलकूद के दौरान बच्चों के लिए रहने और खाने पीने के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। वहीं खेलकूद प्रतियोगिता के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीसा के प्रिंसिपल संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया। इस दौरान बच्चों से कोविड-19 नियमों का पूरी तरह से बच्चों से पालन करवाया जा रहा है। वहीं खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान बच्चे नियमों का पालन करें, उसका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रधानाचार्य आभा चंदेल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडाघाट। आज मुझे मौका मिला है, मेरे स्कूल में अंडर 19 बॉयज टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। आज से इसका शुभारंभ है और इसमें टोटल 63 स्कूल जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 510 के करीब बच्चे आ चुके हैं, अभी कल्चरल के कुछ बच्चे आने रहते हैं और हमें जैसे कि अंदेशा है 700 के करीब बच्चे हमारे पास आएंगे। और इसमें गेम्स जो हैं वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, रेसलिंग, चेस और योगा खिलाया जाएगा। जी, बच्चों को कुछ तो हमने अपने स्कूल में ही अकोमोडेट किया है, उसके साथ हमें क्योंकि कमी थी तो हमने डिग्री कॉलेज से वहाँ से भी हमने रूम्स लिए हैं और अपना मिडिल स्कूल है वहाँ से भी हमने स्कूल लिया है। और जो ऑफिशियल्स जो हैं उनको हमने KVK है, अपना PW रेस्ट हाउस है, उनको भी हमने बुक करवाया है। डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीसा। अंडर 19 बॉयज डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में मुझे डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से ऑब्जर्वर का कार्य सौंपा गया है, जिसमें मुझे जो भी गतिविधियां इस टूर्नामेंट के दौरान होंगी उनकी देख रेख करने का जिम्मा है। और इस दौरान ये भी देखना है कि कोविड नियमों को भी सही से पालन हो और बच्चों के रहने सहने की व्यवस्था भी ठीक से हो। और हमने जो भी अभी देखा है उसमें यही पाया है कि सभी कमरे सैनिटाइज हुए हैं, मैडम ने थर्मल स्कैनिंग के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए हुए हैं लोगों को, और जो बच्चों को है इन नियमों का पालन करने के लिए भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडाघाट में आज से जिला स्तरीय अंडर 19 बॉयज की खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, जिसमें 63 स्कूलों के करीब 700 बच्चे भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग चंद्रेश्वर शर्मा व पूर्व प्रधानाचार्य दिव्या ठाकुर ने दीप प्रज्वलित व झंडा फहराकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मीडिया को जानकारी देते हुए कंडाघाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य आभा चंदेल ने बताया कि आज कंडाघाट स्कूल में अंडर 19 वर्ल्ड खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें जिला के 63 स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेलकूद के दौरान बच्चों के लिए रहने और खाने पीने के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। वहीं खेलकूद प्रतियोगिता के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीसा के प्रिंसिपल संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया। इस दौरान बच्चों से कोविड-19 नियमों का पूरी तरह से बच्चों से पालन करवाया जा रहा है। वहीं खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान बच्चे नियमों का पालन करें, उसका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रधानाचार्य आभा चंदेल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडाघाट। आज मुझे मौका मिला है, मेरे स्कूल में अंडर 19 बॉयज टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। आज से इसका शुभारंभ है और इसमें टोटल 63 स्कूल जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 510 के करीब बच्चे आ चुके हैं, अभी कल्चरल के कुछ बच्चे आने रहते हैं और हमें जैसे कि अंदेशा है 700 के करीब बच्चे हमारे पास आएंगे। और इसमें गेम्स जो हैं वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, रेसलिंग, चेस और योगा
खिलाया जाएगा। जी, बच्चों को कुछ तो हमने अपने स्कूल में ही अकोमोडेट किया है, उसके साथ हमें क्योंकि कमी थी तो हमने डिग्री कॉलेज से वहाँ से भी हमने रूम्स लिए हैं, और अपना मिडिल स्कूल है वहाँ से भी हमने स्कूल लिया है, और जो ऑफिशियल्स जो हैं उनको हमने KVK है, अपना PW रेस्ट हाउस है, उनको भी हमने बुक करवाया है। डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीसा, अंडर 19 बॉयज डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में मुझे डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से ऑब्जर्वर का कार्य सौंपा गया है, जिसमें मुझे जिन भी जो भी गतिविधियां इस टूर्नामेंट के दौरान होंगी उनकी देख रेख करने का जिम्मा है, और इस दौरान ये भी देखना है कि कोविड नियमों को भी सही से पालन हो और बच्चों के रहने सहने की व्यवस्था भी ठीक से हो। और हमने जो भी अभी देखा है उसमें यही पाया है कि सभी कमरे सैनिटाइज हुए हैं, मैडम ने थर्मल स्कैनिंग के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए हुए हैं लोगों को, और जो बच्चों को है इन नियमों का पालन करने के लिए भी कड़े निर्देश दिए गए हैं।